तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त के, और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम दो मेजर कॉलेजेस का कंपैरिजन देखने वाले हैं। पहला तो होगा आपका एम्स नागपुर और दूसरा होगा सेट जीएस मेडिकल कॉलेज। आज हम देखते हैं अगर आपका एयर अच्छा आ रहा है तो आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, आपको एम्स नागपुर प्रेफर करना चाहिए, आपको सेट जीएस प्रेफर करना चाहिए। तो आज का वीडियो उसके बारे में रहेगा। तो आज का वीडियो शुरुआत हम एक कमेंट से कर लेते हैं। तो हमारे पास संगीता जी का कमेंट है। अब संगीता जी का कमेंट देख लेते हैं। संगीता जी का कमेंट कुछ इस तरीके से, हाय माय एयर इज 551, व्हाट इज बेटर ऑप्शन, एम्स नागपुर और केईएम, प्लीज सजेस्ट। तो देखिए संगीता जी, मैं तो पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो एयर है वो बहुत बढ़िया है। आपका 551 एयर है तो आप इन दोनों से भी बेटर कॉलेज चूज कर सकती है। बट आपने अभी पूछा है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, हम आज के इस वीडियो में एम्स नागपुर और केईएम में डिफरेंसेस देखेंगे। मैंने एक डिफरेंस टेबल बनाया है जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। और आज के वीडियो में जो बता रहा हूँ ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं रहेगा, ये सभी फैक्चुअल है, ये सभी फैक्ट्स है। तो अगर इसको देख लेते हैं तो पहले जिन दो कॉलेजेस की सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो पहले देखिए, जिनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है एम्स नागपुर और केईएम, तो दोनों एकेडमिक्स महाराष्ट्र में बेस्ट है। बाकी हेल्थ फैसिलिटीज दोनों की भी बेस्ट है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। मैं एक पॉइंट का नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन दोनों कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा डिफरेंस किसको किस तरीके से है। तो देख लेते हैं। तो पहला एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो एम्स नागपुर वो नई कॉलेज है, वो 2018 में एस्टैब्लिश हुआ है। रही बात सेट जीएस की, तो 1926 में एस्टैब्लिश हुआ है। मतलब एम्स नागपुर को एस्टैब्लिश होकर बस 6 साल हुआ है, और जो केईएम मुंबई जो सेट जीएस मेडिकल कॉलेज है वो 1926 का है। मतलब उसको अभी के डेट में एस्टैब्लिश होकर 98 ईयर्स हो चुके हैं पूरे। अब लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एम्स नागपुर नागपुर में और सेट जीएस मुंबई में। उसके बाद रेपुटेशन और थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जो आपका एम्स नागपुर रिलेटिवली नया कॉलेज है, बट वाकई में प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। रही बात सेट जीएस की, तो ये अपनी एक अलग लीगेसी कैरी करता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये बहुत पुराना कॉलेज है, तो इसकी एक अलग हिस्ट्री रही है। और जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन है उसमें इसका एक अलग नाम है। अब रही बात एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, मतलब जो आपका एम्स नागपुर है वो एम्स नागपुर के साथ है, और जो सेट जीएस है उसके साथ केईएम हॉस्पिटल है, जो भी एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है। उसका अब ये देख लेते कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी होती है। जो बैचेस होती है जो एम्स नागपुर में, तो एक बैच में कम से कम 125 बच्चे होते हैं, 125 स्टूडेंट्स। और रही बात सेट जीएस की, तो एक बैच में 250 स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट साइज कंपेयर की जाए तो सेट जीएस की स्टूडेंट साइज थोड़ी ज्यादा है एम्स नागपुर के कंपैरिजन में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। जो एम्स नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ट है। रही बात सेट जीएस की, तो थोड़ा हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्डिंग्स है वो करंटली अपग्रेडेशन में, उसका रिनोवेशन होते रहता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एम्स नागपुर की बराबरी नहीं है, उसका नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अब क्लिनिकल एक्सपोजर की बात कर लेते हैं, फिर इसमें वही बात आ जाती है कि आपका जो एम्स नागपुर है वो नई कॉलेज है, उसको होकर हुए कितने साल है, 6 साल। अब आपको पता है 6 साल और 98 ईयर्स में कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो सेट जीएस का ज्यादा है। अब इसका एक मेजर रीजन आता है कि जो केईएम हॉस्पिटल है वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और वो सेट जीएस के साथ टाई अप में है। मतलब जो क्लिनिकल एक्सपोजर सेट जीएस में होता है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एम्स नागपुर। रही बात पीजी प्रोग्राम की, तो आपका जो एम्स नागपुर का पीजी प्रोग्राम है अभी वो चल रहा है, वो इतना बेटर डेवलप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू केईएम में। तो केईएम में बहुत तरह की स्पेशलिटीज कर सकते हो, उसमें तो सेट जीएस को कोई कंपैरिजन है ही नहीं एम्स नागपुर से पीजी प्रोग्राम में। फिर एज ए सिटी देख लेते हैं, तो सिटी की बात की जाए तो आपका नागपुर एज ए सिटी बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत क्वाइट सिटी है, उसमें आप बहुत सारा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट अगर आप मुंबई की एज ए सिटी की बात करोगे तो मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। और मुंबई के बारे में तो आपको पता है कि मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत हैवी है, उससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। मतलब आपका मुंबई में लाइफ थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। अगर आप थोड़ी शांत पर्सनैलिटी हो, आपको ज्यादा कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए, आपको शांत रहना पसंद है, तो आप नागपुर प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि नागपुर का लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा चिल रहेगा, क्योंकि मैं सेट जीएस में हूं तो मुझे पता है कि मुंबई का लाइफ कितना टफ होता है। अब आपका जो ये हो गया हॉस्टल और मेस के बारे में देख लेते हैं, तो नो डाउट आपका जो एम्स नागपुर है उसका हॉस्टल और मेस के सेट जीएस से ज्यादा बढ़िया है। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर ली, मतलब आपका कैंपस देख ले, तो कैंपस जो है जो आपका एम्स नागपुर है उसका कैंपस ज्यादा बढ़िया है सेट जीएस से। अब ये तो हो गई इन दोनों के डिफरेंसेस की बात। अगर आपको सच में कॉलेज चूज करना है तो आपको फैसिलिटीज के बेस पे कौन सा चूज करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है एम्स नागपुर का, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न लैबोरेटरीज है, मतलब उसका ऑल ओवर जो कैंटीन हो गया, मेस हो गया, हॉस्टल हो गया, वो सेट जीएस के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। बट अब सेट जीएस का एक पॉइंट आता है, जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि सेट जीएस का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मतलब आप नंबर ऑफ पेशेंट्स को ज्यादा देख सकते हो सेट जीएस में एज कम्पेयर टू एम्स नागपुर, क्योंकि सेट जीएस में पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है।
अब मैं आपको खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो सेट जीएस में जो पेशेंट फ्लो ऐसा समझ सकते हो, जो हॉस्पिटल के पेशेंट हुआ कभी कभार हम लोग के कॉलेजेस में आ जाते हैं, इतना ज्यादा हैवी पेशेंट फ्लो है जिससे आपको सीखने को कुछ ज्यादा मिलेगा। बाद में फिर ये देख लेते कि लास्ट में आप कंक्लूजन क्या आता है, आपको एम्स नागपुर लेना है या सेट जीएस लेना है। तो देखिए एम्स नागपुर का कैंपस अच्छा है, उसकी नई टेक्नोलॉजी है और आप अपने साथ एक प्रेस्टीज कैरी करते हो कि आप एम्स नागपुर से हो। और सेट जीएस का अगर आपको लेना है तो आपके साथ क्या होगा, सेट जीएस का उसका एक अलग हिस्ट्री है, बाद में उसका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो केएम के साथ टाई अप में, मतलब आपको जो पेशेंट फ्लो होगा, जो पेशेंट एक्सपीरियंस होगा वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और साथ ही में जिसका फैकल्टी है उसके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे एम्स नागपुर और सेट जीएस के डिफरेंस में। तो बाकी आपको क्या लगता है कौन सा कॉलेज बेटर है हमें कमेंट में बताइए, और आपको कोई और डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।